हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सर्दियों की पहली बारिश हो चुकी है और मौसम जो है वो ठंडा तो नहीं, लेकिन हवा में हल्के फुल्के सी खुनकी ज़रूर है। ऐसे मौसम में दिल करता है कि या तो चाइनीज़ खाना हो या फिर ज़बरदस्त सूप पिया जाए। तो आज जहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो कि फेज 7 बहरिया टाउन में लोकेटेड है। तो जी, रेस्टोरेंट का नाम किम मुन है और इसका रिव्यू मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन समहाउ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। आज हम इस प्लेस को दोबारा विज़िट करने जा रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ इनका कंप्लीट मेन्यू शेयर करने वाली हूँ। प्राइस रेंज कैसी है, एम्बियंस कैसा है और फूड का टेस्ट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं और इस तरह की कम्प्लीट फूड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो जाते हुए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाहर खाना खाने की बात की जाए तो जितना फूड मैटर करता है, मुझे लगता है कि उतना वो प्लेस भी मैटर करती है जहाँ पर आपने बैठ करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइनीज थीम पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत ही जबरदस्त सा इनका ये आप देख सकते हैं एम्बियंस है। ये रहा इनका मेन्यू, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। मुझे तो इनका मेन्यू और प्राइसेस दोनों ही बहुत पसंद आई हैं। दो तरह के इनके पास डील्स हैं, अगर आप चाहें तो आप सिंगल सर्विंग्स भी ले सकते हैं, इसके अलावा इनकी फैमिली डील्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इनके हॉट एंड सॉर सूप से, और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका ये सूप है। अच्छा, ये दो तरह से अवेलेबल है, रेड और वाइट। हमने रेड वाला ऑर्डर किया था, और यहाँ पर ज़रा आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इंतहाई टेस्टी सूप था ये। क्वांटिटी की बात की जाए तो ये फैमिली बाउल था और 4 पर्संस की सर्विंग के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा था हमारे लिए। चलिए जी, मेन कोर्स आ गया है और यहां पर मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो जी, हमने ऑर्डर किया था यहाँ पर चिकन मंचूरियन, जो कि बहुत ही कमाल का था। और यूजुअली आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स पर जाएं तो आपको बहुत ही मीठा सा मंचूरियन मिलता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मीठा नहीं था। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं चाउमीन। चाउमीन हमने दो टाइप का ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे चिकन के साथ खाना था और मेरे बेटे को प्रॉन्स पसंद है, तो हमने चाउमीन दो टाइप का किया था। और सामने आप देख सकते हैं तो बीफ चिली ड्राई है। राइस में जो है वो हमने एग फ्राइड राइस किए थे, और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं चिकन विंग्स है फ्राइड में। और फ्रेंड्स, इनके सारे डिशेस का जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का था। क्वांटिटी जो है वो भी आपके सामने है, और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। अच्छा, हमारे हिसाब से तो ये खाना काफ़ी ज़्यादा था, हम लोगों ने 4 पर्संस के हिसाब से ऑर्डर किया था, लेकिन चूंकि हमें डिशेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर करनी थी, इसलिए खाना काफ़ी ज़्यादा हो गया जो हमने पैक करवा लिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिंगल पर्सन के सर्विंग भी ले सकते हैं, इसके अलावा जो है आप फैमिली डील्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि रेट्स की है। अच्छा, मुझे तो इनके रेट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। आपके सामने नंबर ऑफ डिशेस थी, आपके सामने क्वांटिटी थी, और हमारा जो टोटल बिल है ड्रिंक्स वगैरह को मिला के कोई 10 से 11 हज़ार के आगे पीछे था। फ्रेंड्स, यहाँ पर चूंकि बफे नहीं होता तो इसलिए मैंने आपको अला कार्ट का जो है वो रेट बताया है। टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 5% टैक्स चार्ज होगा, और अगर आप कैश पे करेंगे तो आपको 15% टैक्स चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये जगह जो है ये हाईली रिकमेंडेड है। आप इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए और अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।